जीमेल में मेल्स को कैटेगराइज करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे ईमेल को स्टार्ट कर देना, ईमेल को लेबल कर देना और ईमेल को फिजिकली इनबॉक्स से मूव कर देना। लेकिन एक सबसे बेहतरीन तरीका जीमेल में ईमेल्स को कैटर करने का ये है कि आप उस ईमेल को फ़िल्टर कर दें, जिससे ऑटोमेटिकली वो ईमेल प्रोसेस हो जाएगी जिस तरह आप उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में उसको भेजना चाहते हैं, जिस लेबल से उसको भेजना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसके प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप एक ईमेल को कैसे फ़िल्टर करते हैं। सपोज़ ये एक ईमेल है ट्विटर, इसको हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट बटन के साथ चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद ये मोर वाले बटन में जाएंगे, उसके बाद नीचे फिल्टर मैसेजेस लाइक दीज इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें फ्रॉम जिससे ये ईमेल आ रही है वो पहले से लिखा हुआ है। इस पर हम नीचे आएंगे, नीचे आके हम करेंगे क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़िल्टर एक किस्म का क्रिएट हो गया है। अब आपने इन ट्विटर से जितने मैसेजेस आए हैं आपने उनके साथ जो करना है आप इसमें कर सकते हैं। सपोज़ आप कहते हैं स्किप द इनबॉक्स आर्काइव इट, यानी अब ये इनबॉक्स में नहीं आएगी, डायरेक्टली आर्काइव हो जाएगी। आप इसको चेक मार्क कर दें, चेक मार्क हो गया। इसको कोई लेबल आपने देना है तो लेबल दे दें, सपोज़ इसको आप ये लेबल दे दें या न्यू लेबल भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ इसको हमने फेसबुक का लेबल दे दिया और इसको हमने यहाँ से, इसके अलावा यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि इस तरह की जितनी भी कन्वर्सेशन पड़ी हुई है, जितने भी मैसेज पड़े हुए हैं वो सब के साथ ही सब कर देगा। इसको हम चेक मार्क करते हैं और क्रिएट फिल्टर कर देते हैं। अब हमारा फिल्टर क्रिएट हो गया। अब देखेंगे आपके इनबॉक्स से ये सारे मैसेजेस डिलीट हो गए हैं। डिलीट होने के बाद नीचे आएंगे हम तो ये सारे फेसबुक वाले लेबल में ये सारे ट्विटर के मैसेजेस चले गए हैं। इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि अब जब भी ट्विटर की तरफ से कोई भी मैसेज आएगा तो वो बजाय इनबॉक्स में आने के सीधा फेसबुक में चला जाएगा, फेसबुक में आर्काइव हो जाएगा। ये तो एक तरीका था आपका फिल्टर क्रिएट करने का। अब एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट साइड पे गेयर आइकॉन पे क्लिक करें, इसके बाद नीचे सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में चले गए आप। सेटिंग्स में जाने के बाद ये ऊपर मेन बार में फिल्टर्स पे क्लिक किया, इसमें आपके जितने भी फिल्टर्स हैं जो आपने बनाए हैं अभी तक वो सारे उनकी सेटिंग्स में हैं। इसके अलावा अगर आपने नया फिल्टर क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ से क्रिएट अ न्यू फिल्टर पे क्लिक करें और अपना फ़िल्टर जिस भी मेल के मुतल्लिक आपने बनाना है वो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर कई ईमेल्स आपको इरिटेट करती हैं जिनमें ऑर्डर्स के मुतल्लिक मालूमात होती हैं, उनका सब्जेक्ट होता है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, आप उनका सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ऑर्डर वाली मेल्स लिख दें, आप क्रिएट अ फ़िल्टर कर सकती हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, लोडिंग हो गई, यहाँ से आप वही सेम पेज खुल गया, यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है। बैक चलते हैं, हम वापस आए हम इनबॉक्स पे, गेयर आइकॉन पे गए, यहाँ से सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में आने के बाद फ़िल्टर्स में गए। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आपने एक फ़िल्टर क्रिएट किया है उसको आपने डिलीट कैसे करना है। सिंपली ये जो फ़िल्टर आपने क्रिएट किया है इसके लेफ्ट साइड पे चेक मार्क करें, चेक मार्क करने के बाद इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर दें। अगर आपने इसमें कुछ नई चीज़ें डालनी हैं तो उसको यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। इसमें आपके फ़िल्टर का नाम लिखा है सबसे ऊपर, उसके बाद डू दिस, यानी इसमें आपने इस फ़िल्टर के साथ क्या क्या करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी है। इसको आप यहाँ से एडिट के बटन से एडिट भी कर सकते हैं दोबारा से, जो कुछ आपने इसके साथ करना है। कंटिन्यू स्किप टू इनबॉक्स अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इसको अनचेक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था मैसेजेस को ऑटोमेटिकली कैटर करने का।